अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कचौरियाँ। कचौरियों के लिए हमने निकाली है 1 कप दाल। अब हम इस दाल को पानी में डाल के धोकर अब इस दाल को हम उबालने को रख रहे हैं। कैसे हैं गाइस आप लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मेरी वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं। आज हम बना रहे हैं कचौरियाँ। कचौरी के लिए हमने ये 1.5 प्याली मैदा ले लिया है, वो 1.5 प्याला ये हमने मैदा डाला, ठीक है। ये आधा प्याला ये रहा, ये 1.5 प्याला हमने मैदा ले लिया है। आधा कप हमने सूजी ली है। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है। हसबे जायका 1 चम्मच नमक लिया है। अब हम ये डालेंगे इसके अंदर। ये हमने ऑयल डाल दिया, ये हमने सूजी डाल दी। अब हम इसको भून लेंगे। और गाइस आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, इसका आटा थोड़ी देर पहले ही भी गून के रख लेना है, क्योंकि सूजी फूल जाएगी तो बहुत मज़ेदार करारी करारी सी बनेंगी। देखिए ये हमारा आटा गून चुका है और आप देख रहे होंगे इसमें ये बबल से आ रहे हैं। तो ये हमने आटा गून के थोड़ी देर रख दिया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना सूजी फूलती है तो और ज़्यादा आता है मज़ा करारा करारा सा। और ये हमारी चने की दाल अभी उबल रही है। ये चने की दाल हमारी उबल रही है। ये देखिए चने की दाल उबल जाएगी। फिर हम इसको पीस के इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हसबे जायका सब मिला के फिर हम बड़ी मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाएंगे आज। और आप बताइए, मैंने भेजी थी अपनी वीडियो की, वैसे तो लोग चाट खा लेते हैं, कटोरियां रह जाती हैं, लेकिन मेरी कटोरी चाट इतनी मज़ेदार थी कि उसकी कटोरी भी बंदा खा जाता है। बड़ी मज़ेदार थी, स्वीट सी चीज़ें हैं, बन रही हैं रमज़ानों के अंदर। रमज़ान को इंजॉय करें, खुश रहें, खैर आफियत के साथ। आमीन सुमा आमीन। हमारी दाल उबल चुकी है। जब दाल उबल गई तो इसे हमने पीसा भी नहीं है, हमने इसको हाथों से ही कर लिया। तो ये देखें हमने अपनी दाल को इस तरह कर लिया है। और हमने इसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, हसबे जायका नमक, हसबे जायका कुटी हुई मिर्चें, अब ये हम इसके अंदर सब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इनको मिला देंगे और फिर हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये आइटम बनाएं आराम से। और फ़ायदा ये होता है कि इफ्तार के बाद खाना भी नहीं बनाना पड़ता, इसी से बंदे का पूरे दिन रोज़ा होता है तो इसी से पेट भर जाता है। तो बहुत मज़ेदार है। और बाहर से रोल समोसे लो तो आजकल तो रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं रोल समोसों के भी। जब बच्चों को खाली शरबत तो बंदा पिला नहीं सकता, तो इससे बेहतर है छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बहुत इंजॉय करें, मज़ा करें। और अल्लाह ताला सबको खुशियों में मिलाए, खैर आफियतों के साथ। देखें यह अब आटे को थोड़ी देर हो गई है। अब हम इसमें से इस तरह करके पेड़े बना रहे हैं छोटे छोटे, जैसे हलवा पूरी का पेड़ा होता है ना। और ये हमने दाल मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह तैयार करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम पूरियों को किस तरह तैयार, वो कचौरियों को किस तरह तैयार कर रहे हैं। ये देखें ये कचौरी को हमने इस तरह पेड़े बनाकर फिर हमने इस तरह करके इसको इस तरह बेल लिया है। बेलने के बाद ये हमने दाल ली। दाल में मैंने आपको बताया था कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हसबे जायका नमक, ये हमने इसको इस तरह भर के ये देखें ये हमारी कचौरी तैयार है। अच्छा, कचौरियाँ हम लोग 2 तरह की बना रहे हैं। एक ये वाली कचौरी जो मिठाई वालों के पास होती है बड़ी, और एक हम लोग ऐसी बना रहे हैं। इसके हमने इतने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं, इतने छोटे छोटे पेड़े लेकर इसको भी हमने इस तरह बढ़ा लिया है ऐसे कर। अब इसको इस तरह बढ़ाने के बाद हमने इसके अंदर दाल रखी। ये जो आम तौर पे ठेलों पे इस पे बिक रही होती हैं, और इसके साथ वो लोग सालन देते हैं और बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। तो इस कचौरी के ऊपर इस तरह एक और बनाकर रखी जाएगी।
और फिर हम इसको इस तरह कर देंगे कि ये टूटे भी ना और खुले भी ना। ये देखिए ये कितना प्यारा सा लुक आ गया है इसका। अब हमने इसको इस तरह बना के इसको हम इस तरह तैयार करेंगे कि घर में साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं और आप बाज़ार से ले तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और ये उतने ही बाज़ार के पैसों में ही चीज़ ज़्यादा बन जाती है कि बंदा पेट भर के खा ले। बाज़ार से तो बंदा गिनती की खा रहा होता है, इसलिए बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। ये देखें ये हमारी, ये देखें ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। देखें अब ये हम कचौरियाँ फ्राई कर रहे हैं। ये देखें ज़बरदस्ती प्यारा सा शेड आ रहा है, गोल्डन गोल्डन। ये धीमी आंच पे होती है कि अंदर तक से तैयार हो जाएं। ये देखिए ये फूल भी रही हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। ये देखें कलर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, गोल्डन गोल्डन सा, और बहुत मुनासिब पैसों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। बाहर से रोल समोसे लो, फिर वही गंदा तेल है, गंदा ये, और अच्छा खासे महंगे हो गए हैं। उतने ही पैसों में अब ये कि बंदा भरपूर चीज़ खा लेता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। और ये कि जायका और सब कुछ आपके अपने हाथ का है, सफाई का है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन सा। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन सा। ये देखें ये प्लेट में रख के हम दिखाते हैं। अब इसके साथ हमने अचार, रायता